निर्दलीय प्रत्याशी गीता सिंह गोड़ के द्वारा यहां पर जनसंपर्क और भंडारे का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बाडरवारा विधानसभा के 91 नंबर वार्ड से यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी गीता सिंह गोड़ व जगदीश पटेल के द्वारा यहां पर मेहदेया माता मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों के साथ में उन्होंने भोजन प्रसादी का ग्रहण किया। इसके उपरांत उन्होंने लोगों के साथ में जनसंपर्क किया, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी के हित में मतदान करने की अपील की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित जगदीश पटेल व जिला सदस्य कटनी सुभाष पटेल, ओबीसी जिला अध्यक्ष डॉक्टर बी के पटेल सहित कई अधिकारी व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी गीता जी का समर्थन किया है और वोट देने की अपील की है। जी आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर बी के पटेल, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा कटनी। जी आज आपको जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्या मतलब कैसे आवश्यकता पड़ी? पार्टियां क्या टिकट नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मैं क्लियर कर दूं कि चुनाव हम निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि गीता सिंह गोड़ जी लड़ रही हैं। जी जी, जैसा कि हमने ये देखा है कि भारत देश के इतिहास में जातियों को लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी और एसटी आदिवासी समाज के बीच जो एक सामंजस्य की स्थिति बनी है, यह बहुत ही सराहनीय है। और उसी तारतम्य में पूरा ओबीसी समाज जो है गीता सिंह गोड़ जी के समर्थन में खड़ा है, और उसी तारतम्य में हम यहाँ खड़े हुए। और इसका आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि यह देखा गया कि आजादी के 75 साल बाद भी जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने सरकारें बनाई हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी और शोषित वंचित कमेरा समाज की ओर कभी भी इन्होंने मुंह नहीं फेरा है और ना ही इनकी तरफ कभी नजर किया है, और इनका शोषण करने का हमेशा इन्होंने काम किया है। जी। तो अब ये जो रुष्टता है ओबीसी एससी एसटी शोषित वंचित समाज की, उसकी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी को तारने का प्लान हुआ है, और इसी कारण से जो है आज पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो भी जनता है पूरी हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और गीता सिंह जी के समर्थन में उतर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। जी। बस हम यही। ग्राम दसरमन सिंह आप और बोलिए। आज जो ये हमें निर्दलीय प्रत्याशी की जो जरूरत पड़ी है जी, आज हमारे बीच में एससी एसटी ओबीसी बहुत संख्या में है, लेकिन हमको अपने हक और अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी के तारतम्य में हम लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, पार्टियों की बोरियां फटियां तो बहुत बिछाई हैं, बहुत लोगों की चमचागिरी किया, अब हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और अपना निर्दलीय प्रत्याशी चुन करके हम इस बड़वारा सीट में अपना विधायक चुनेंगे, गीता सिंह को अपना क्षेत्र। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो हर पंचवर्षीय में आते हैं और जाते हैं, इसमें जिसका जैसा सुझाव रहता है वो उस प्रकार से काम करता है, और हमने देखा कि हमारे लोगों में हमारे लोगों को इतनी सहानुभूति इन चुनावों से नहीं मिल पाती, इसलिए हमने ये अलग नया कदम उठाया है, अलग से कदम उठाया है कि हमको क्या इतिहास बनाना है, और जो वहाँ दिग्गज लोग बैठे हैं हमको उनको भी दिखाना है कि ओबीसी क्या है, क्या कर सकती है ओबीसी भारत में। की जनता का धन्यवाद करता हूँ, और सब लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे, और जो हमारे वर्ग को सम्मान नहीं दिया जाता और अपमान किया जाता है, इसका हम जवाब देना चाहते हैं। बहुत पटेल, बड़वारा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रहा भाजपा से, और इस बार हमने देखा कि एक ही परिवार से टिकट आ रही कांग्रेस और भाजपा की, और 5 साल हमने कांग्रेस के विधायक को भी देखा, और दूसरा जो प्रत्याशी भाजपा का आया है जिला पंचायत सदस्य है, 8 साल से हैं वो क्षेत्र में, देखो कहीं कोई विकास नहीं, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं, जनता दर दर भटक रही है, इसलिए हम लोगों ने विचार किया, जनभावना के अनुरूप निर्णय लिया कि गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच का गीता सिंह गोड़ को प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में उतारा जाए, उसी के लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, भारी जन समर्थन मिल रहा है, और तीसरे विकल्प के रूप में हमको जनता आशीर्वाद दे रही है। जो अभी तो क्या कारण हुआ जो आप ये पार्टी, हमारी भावना गांव गरीब किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया उसमें, अवसरवादी हावी हो गए, बढ़ चुकी है, और जिसमें ये लोग जो बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि मूलभूत समस्याओं का निदान हो और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और बढ़ाई जाती है। अभी